महोदय की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही अनोखे पौधे के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे और पहचानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको आज जो जानकारी बताऊंगा उसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। इसी तरह इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। ऐसे तो ये पौधे का नाम है पियर कैक्टस और ये पौधे का ओरिजिन मेक्सिको है, लेकिन ये भारत में लगभग हर जगह देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पियर कैक्टस भी एक तरह की नागफनी है, इसे प्रिंकली पियर भी कहते हैं। यह पौधा कांटेदार होता है, इसे वज्र कंटका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कैक्टस है जो सूखी बंजर जगह पर भी बहुत आसानी से उगता है। इसके पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। यह पौधा सबसे पहले मैक्सिको में उगाया गया था और अब यह पूरा भारत में भी देखने को आसानी से मिलता है। ये स्वाद में मीठे और कुछ मेलन जैसे होते हैं, बीज सख्त होते हैं, आप निगल भी सकते हैं, फल को छिलकर खाया जाता है। नागफनी में विटामिन B6, कॉपर, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम शामिल है। पियर कैक्टस के कई सारे फायदे हैं, जैसे इसमें कैलोरी में कम, अच्छी वास से भरपूर और कोलेस्ट्रॉल में कम होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्रोत है। इस कैक्टस को पियर कैक्टस भी कहा जाता है। कहने के पीछे कारण यह है कि इसमें फल आते हैं जिनका स्वाद थोड़ा थोड़ा पियर यानी कि नाशपाती जैसा होता है। स्वाद में यह मीठा होता है लेकिन रंग इसका गजब का निराला होता है। आप अगर इसके फूलों को देखें, इनिशियली ये जो फल हैं इनमें से फूल झड़ चुका है। मैं आपको इसके फूल भी दिखा देती हूँ। इनमें आपको कांटेदार संरचना दिख रही है, वो वाकई प्रिकली हैं, वो चुभते हैं, तो बेयर हैंड यानी नंगे हाथों से इन्हें छूने की गलती ना करें। ये फूल हैं, फूलों के झड़ जाने के बाद ऐसी संरचना आती है जो फल होते हैं। ग्रामीण इलाकों में, खासकर राजस्थान जैसे शहरों में लोग इसे खेती के तौर पर अपना रहे हैं और गांव के लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग है, इसे लोग पसंद करते हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को जानते हैं। इंडिया में इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, आज तक ये गरीबों का ही भोजन है। आज आप इन पौधों के बारे में डिटेल में जानिए, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी जानिए और ये कैसे होते हैं ये भी जानिए। इनके जो फ्लेशी पैड आप देख पा रहे हैं ये दरअसल पत्ते नहीं बल्कि कैक्टस की ब्रांचेस यानी कि शाखाएं हैं जो वास्तव में अडेप्ट कर जाती हैं, यानी कि मौसम के अनुरूप खुद को बदल लेती हैं वाटर पानी को स्टोर रखने के लिए। तभी आप इनमें महीनों पानी ना दें तो भी इन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। कैक्टस पियर का पौधा 1 फुट से लेकर 7-8 फुट तक की ऊंचाई का हो सकता है। कैक्टस के जो कांटे होते हैं वही दरअसल इसके पत्ते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करते हैं बल्कि फोटोसिंथेसिस का काम इसके तने करते हैं। ये स्पाइन्स महीन होते हैं और ये बहुत आसानी से आपकी त्वचा के अंदर घुस जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कभी भी बेयर हैंड यानी नंगे हाथों से इसे ना छुएं। कैक्टस सुरक्षा का प्रतीक है और यह कोई मिथ नहीं है, यह सच्चाई है और वैज्ञानिक तथ्य पर सही भी है। हमारे भारत देश में लोग बकरी बंदर जैसे जानवरों से परेशान होते हैं और विदेशों में हमारे जो दर्शक हैं वो बार बार कहते हैं कि वो कंगारू से या फिर हिरन से परेशान हैं। ऐसे में अपने घर को सुरक्षा देने के लिए, अपनी गार्डन को सुरक्षा देने के लिए इसके कॉर्नर्स पे भारत में भी ये कैक्टस लगाए जाते हैं और विदेशों में भी ये लगाए जा सकते हैं। आपका बगीचा, आपकी बागवानी सुरक्षित रहेगी। हमारे देशों में बकरियों से और यूरोपियन देशों में जो हमारे दर्शक हैं ये पूछते हैं, हमारे यहाँ हिरन या कंगारू हमारे पौधे को खा जाते हैं तो क्या करें? सिंपल है,
आप अपने गार्डन की कैक्टस से फेंसिंग कीजिए, जिससे आपके पौधे सुरक्षित भी रहें। हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि हमारे पास हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। प्लांट की सर्वाइवल की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, अगर तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाए तो इसमें फूल खिलना बंद हो जाते हैं, लेकिन प्लांट अलाइव रहता है। जैसे ही तापमान थोड़ी बढ़ती है तो इसमें फिर से फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। अब तो आपके दिल में इसे लगाने की इच्छा जाग गई होगी, तो चलिए आपको बता दें इसकी प्रोपेगेशन कैसे करते हैं। इसकी प्रोपेगेशन बहुत आसान है, ये कटिंग से लगता है। अगर इसका एक पत्ता बंजर जमीन पर भी गिर जाए तो महीने दो महीने में आपको नया पौधा मिल जाएगा। ना ही इसे हर रोज पानी की जरूरत है, ना ही इसे कोई खास ख्याल की जरूरत है। पियर कैक्टस में होता है बेटालेइन, जो कि फाइट करता है कैंसर और एजिंग जैसी चीजों से। यानी आप अगर इसे रेगुलर खाते हैं तो आप कैंसर से बचे रहते हैं, खास करके कोलोन कैंसर से। इसके रसेदार लाल गूदे में होता है विटामिन ए और कैरोटीन्स, जो आपको बचाते हैं लंग कैंसर से और ओरल कैविटी के कैंसर से। आपको जैसे भी पसंद हो, चाहे तो इनका जूस निकाल कर नियमित सेवन करें या फिर फलों को ही साबुत खाएं, छिलके उतार कर खाएं। ये बेहद हेल्दी हैं, आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचाएंगे। तो कैसी लगी आपको कैक्टस पियर फ्रूट के बारे में बताई गई अनोखी जानकारी? जानकारी शानदार तो लगी ही होगी। आप हमें कमेंट करके अपने बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।